Hi guys and welcome back to my channel. So today I'm going to show you my perfume collection, perfume, body mist and Dio collection with you guys. So मेरे पास काफ़ी cheap price में भी Dio है and body mist है. Like मेरे पास कुछ भी मतलब high end नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो perfumes में. And without wasting any further ado, let's start the video. So the first Dio is I have Yardley London and this is in the variant Morning Dew. ये 1 year से ज़्यादा हो गया मुझे use करते हुए. So it literally smells like fresh shower and it's very flowery kind of smell. बहुत ही ज़्यादा fresh इसकी smell है and इसकी cost आपको screen पर भी दिख जाएगी, लेकिन इसकी cost है 225 rupees and ये 3 years की शेल्फ लाइफ के साथ आता है एंड ये बहुत ही अच्छा परफ्यूम है. लाइक अगर आपको एकदम फ्रेश स्मेल करना है सो यू कैन गो फॉर इट. एंड काफ़ी बड़ी बॉटल है एंड आपका 1-2 ईयर लास्ट करेगा अगर आप हर रोज परफ्यूम नहीं लगाते हैं तो. नाउ द नेक्स्ट परफ्यूम, सॉरी ये डियो था. नाउ द परफ्यूम, दिस परफ्यूम इज बाय माय ग्लैम. सो ये है इन द वेरिएंट फ्लर्टी, XOXO फ्लर्टी एंड इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी कोलोन टाइप की है. सो पहली बात तो इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट है, ये पूरी हार्ट शेप में आती है एंड इसमें 25 ml की क्वांटिटी मिलती है एंड 395 इसकी कॉस्ट है. सो इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा फ्रेश है एंड दिस इज़ अ यूनिसेक्स परफ्यूम, लाइक बोथ मैन एंड वुमेन कैन यूज दिस. And it smells really, really, really fresh. And इसके top notes में citrus, flower and थोड़ा सा musk है. And मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. तो ये flirty variant में है. Now the next perfume is by Engage. So if you like floral and gourmet kind of fragrance which women basically use, so you should go for Women Plus Engage Perfume Spray W1. सो ये पिंक वेरिएंट में है, ये इनका पहला वेरिएंट है एंड इट लिटरली स्मेल्स लाइक कैंडी एंड फ्लावर्स. ये बिल्कुल फ्लावर और कैंडी की तरह स्मेल करता है और इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा फ्रेश है, लेकिन इसकी स्मेल थोड़ी स्वीटर साइड पर है एंड धीमे धीमे जब ये सेटल हो जाता है तो बहुत अच्छा स्मेल करता है. नाउ द नेक्स्ट डियो इज फ्रॉम इंगेज वुमेन प्लस. This is Engage Blush and ये मेरा फेवरेट वेरियंट है अभी तक का Engage में, बिकॉज इट स्मेल्स लाइक रोज, इट स्मेल्स लाइक लेवेंडर, इट स्मेल्स लाइक ऑल द फ्लावर्स टुगेदर एंड इसकी स्मेल बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है. सो ये आपको ज़रूर लेना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बॉडी मिस्ट. सो आई हैव 5 बॉडी मिस्ट, 2 फ्रॉम प्लम्प एंड 3 फ्रॉम नायका. सो पहले हम प्लम्प वाले बॉडी मिस्ट की बात करते हैं. सो इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है एंड ये मैं बहुत लंबे टाइम से लगा रही हूँ. ये मैंने लास्ट ईयर लिया था और ये अभी इतना ही फिनिश हुआ है. आई लाइक स्वीट फ्रेगरेंस बट ये थोड़ा ओवर पावर कर देता है स्वीट फ्रेगरेंस को, ये कुछ ज़्यादा ही स्वीट है क्योंकि इसमें वेनीला का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है. ये बहुत ही ईजिली आप इसको अपने पर्स वगैरह में रख सकते हैं, ये छोटी सी बॉटल के शेप में आता है. और अगर इसका कलर चेंज हो जाए सो डोंट अफ्रेड, क्योंकि कलर बॉडी में इसका चेंज होता ही है. इसमें पीछे लिखा है कि जब भी कलर चेंज हो तो इसमें मतलब बहुत डरने की जरूरत नहीं है आपको. सो ये क्रुएल्टी फ्री है, नास्टीज फ्री है एंड जजमेंट फ्री भी है. सो या तो इस बॉडी मिस्ट की स्मेल बहुत 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 ज़्यादा जैसे चॉकलेट होता है या फिर कोई कप केक होता है या फिर कोई केक होता है, केक की जैसी स्मेल आती है, इस बॉडी मिस्ट की स्मेल सेम वैसी है. ये बहुत स्वीट है, ये बिल्कुल चॉकलेट की तरह स्मेल करता है, चॉकलेट वनीला की तरह. सो इफ यू लाइक स्वीट फ्रेग्रेंस, बट अगर बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग स्वीटनेस पसंद है तो ही आप इसको लीजिएगा, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं एंड गो फॉर स्मोकिंग वनीला फ्रॉम द सेम ब्रांड. नाउ माई मोस्ट फेवरेट परफ्यूम और बॉडी मिस्ट फ्रॉम दिस ह्यूज, नॉट ह्यूज बट अ स्मॉल कलेक्शन. सो दिस इज प्लम्प बॉडी लवेन बॉडी मिस्ट इन द वेरियंट हवाइन रूम्बा. ये मैंने काफ़ी ज़्यादा फिनिश कर चुका है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इसकी स्मेल.
इसकी स्मेल बिल्कुल, अगर आप बीच पर जाओ या फिर बिल्कुल नहाकर निकलो बीच पर जाओ, बहुत ही फ्रूटी आपको कोई फ्रेग्रेंस है, फ्रूटी फ्लावरी। एंड इसका थर्ड मेन नोट भी बड़ा है, इसका मैं आपको टॉप नोट बता देती हूँ। टॉप में है पियर मैंड्रिन लीची, जो बहुत ही आपको फ्रूटी स्मेल देता है इन फर्स्ट टीयर। हार्ट्स में है इसके गार्डेनिया, फ्रीशिया, मंगोलिया, जो आपको बहुत ही बीची फ्रेग्रेंस देते हैं। एंड द बेस इज वाइट मस्क, वेनिला मस्क। सो इस वजह से ये बेस्ट है, इसमें जितनी भी चीजें पड़ी उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है ऑल टुगेदर। एंड इट लिटरली स्मेल्स लाइक फ्रेश, बीची, फ्रूटी, फ्लावरी, लाइक बहुत अच्छी इसकी स्मेल है। एंड इवन बॉयज कैन यूज इट, सो या दिस इज माई फेवरेट वन। Now I'm going to talk about these three body mists by Nykaa, Wonderlust range. So first one is this Country Rose. So this smells exactly like distilled rose water. तो जिनको rose water की smell बहुत ज़्यादा पसंद है, they can buy that this. But starting में जब आप इसको लगाओगे तो काफ़ी bitter type की smell आएगी, which I initially don't like, but after जब ये settle हो जाता है तो काफ़ी अच्छा लगने लगता है। Now the second fragrance is Sicilian Sweet Pea by Nykaa, which is very 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 strong fragrance, and this is kind of a very strong fragrance but a very fresh fragrance as well. I don't like it that much, बट काफ़ी लोगों को पसंद आ जाएगी ये फ्रेग्रेंस, सो यू कैन बाय दिस। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू माय फेवरेट नायका वंडरलस्ट रेंज में मेरा फेवरेट है ये वंडरलस्ट स्ट्रॉबेरी डाइक्यूरी फ्रेग्रेंस मिस्ट। ये इस वजह से मुझे अच्छा लगता है बिकॉज इसकी स्मेल स्टार्टिंग में एप्पल जूस लाइक एप्पी फिज जैसी आएगी, फिर स्टिंग जैसी आएगी, बियर और वाइन का इसमें नोट्स है। एंड देन उसके बाद आपको एक फ्रेश स्ट्रॉबेरी की फ्रेग्रेंस देगा, देन वो जो फ्रेश फ्रेग्रेंस होगी वो एकदम टॉफी एंड स्वीटनेस में चेंज हो जाएगी। तो अगर जिनको ऐसी टाइप की फ्रेग्रेंस पसंद है जो तीन टीयर में डिफरेंट डिफरेंट स्मेल करे, सो दे कैन गो फॉर इट। एंड मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है एंड स्मेल भी बहुत अच्छी है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई शोड यू 8 परफ्यूम्स, लाइक 1 परफ्यूम, 3 डियोस एंड 5 बॉडी मिस्ट। सो कमेंट योर फेवरेट इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय एंड बी सेफ, बाय।